बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का नाश्ता जो है वो कल सप्लायर जो लड़के होते हैं डिपार्टमेंट स्टोर के, उन्होंने सामान ला दिया था, तो आज मैं चाह रहा था कि डिफरेंट टेस्ट का नाश्ता करूं। मैंने ये छोले और मकई कौन उसके अंदर प्याज और ये जो सिरप है उसमें जैतून का तेल, थोड़ा सा नींबू और नमक, सिर्फ ये डाला है, सादा बना है, नींबू और नमक और जैतून का तेल है। ये ज़बरदस्त बने हैं और इंशाल्लाह इसको खाएंगे। फर्स्ट कर लीजिए कि मैं इसको आपके सामने निकालना चाहूँ तो मैं किन किन चीज़ों के साथ निकालूँगा और क्या क्या चीज़ें मैं लूँगा। नाजिक की मैंने नाजिक का जुबना लिया है, जुबना बोलते हैं चीज़ को, यहाँ पर लिक्विड चीज़ मैंने ली है, नाजिक की क्रीम चीज ली है, ये मैंने तकरीबन आधा चम्मच खाने का ली है। और जनाब प्रेसिडेंट का जो है मैं लुबना लूंगा, प्रेसिडेंट का लुबना लिया, वो भी तकरीबन आधा चम्मच खाने का। उसके बाद जनाब मैंने जो पीज इस्तेमाल किए हैं वो है ये बीफ की चिकन पीस, पके पकाए छोले, और इसको मैंने सिर्फ एक मिनट बाद माइक्रोवेव सब चीज़ें डाल के कर दी। और उसके अंदर मैंने पांडा के जो है वो कॉर्न डाले, इसको यहाँ पे दुर्रा कहते हैं, ये कॉर्न डाले पांडा। और मेरा रोटी जो है, मेरा पराठा जो है, मैं उसको यहाँ पे सजाऊंगा आपके सामने सजा दिया इसको मैंने। और इसके अंदर जो चीज डलेगी वो है जनाब, मैंने नाजिक का मक्खन लिया, बटर, नेशनल बटर है नाजिक का नेशनल बटर है, ज़बरदस्त होता है। इसको मैं इस रोटी के अंदर तकरीबन एक चम्मच इसमें गरम गरम रोटी में डाल दिया है तो ये पिघल जाएगा। ये मेरी चीज़ें तैयार हो गई, सिर्फ मेरा एक दही निकालना बाकी है। तो ये केजी के हिसाब से मिलता है, ये एक केजी का है गालिबन, मैं देख लूँ, फुल क्रीम फ्रेश योगर्ट 2 केजी, ये 2 केजी का डिब्बा है, फ्रेश क्रीम 2 केजी, आपको दिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, 2 केजी ताजा जवादी का जबरदस्त दही होता है, मैं खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, जबरदस्त दही होता है, ये देखिए क्या बात है दही की। और इसमें से मैं एक चम्मच खाने का, ये देखिए मैंने एक चम्मच खाने का लिया, और ये सब क्रीम मेरे साथ रख दी। इन क्रीमों पे कोई चीज़ डालने के लिए ज़रूरत है, सिर्फ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस पे मैं थोड़ा सा जो है वो जैतून का तेल डालूँगा, और इंशाल्लाह मज़े लेके हम इन चीज़ों से जो सेहत के लिए अच्छी भी हैं तगड़ी भी हैं से मैं नाश्ता करूंगा। और फिर दोपहर के खाने की छुट्टी करूंगा, मैं डिनर नहीं लूंगा, लंच नहीं लूंगा, और डिनर जो है वो मगरिब के टाइम पे करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। मैं एक चम्मच आपको ये वाले छोले और इसके साथ वो मकई के दाने ये भी निकाल के यहाँ पे रखूँ ताकि आपको समझ में आए कि खाना कैसा है और क्या है। उम्मीद है आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे, उम्मीद है आप भी बनाएंगे, आप भी खाएंगे, और मैं दुआ करता हूँ आप हमेशा सेहतमंद रहें, आपको अल्लाह हिफाजत में रखे और अच्छी सेहत के साथ उम्र दराज करें। आमीन।